बरामद की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज, उसके कब्जे से तमंचा कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते भागा, घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान के बाद भी नहीं मिला बदमाश, वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग, एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज, बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस, एक बाइक बरामद, 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। गुना के नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी, गुना के नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, आरोपी के पास से 6 गौवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार, छंगवा पुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट, 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल और 5,000 कैश लूट कर बदमाश हुए फरार, पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून के एक व्यक्ति ने 9 लाख रुपए ठगे, शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया, लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर ना चल जाए, ये बात उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दौरान कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान, किच्चा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, अवैध रूप से बनाए गए मकान पर बुलडोजर चला। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा, दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर, 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई, जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिंबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर, अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा, साइकिल सवार किशोर की मौके पर हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम, प्रशासन ने शांत कराया परिजनों को।